जाइए धन्यवाद। इनका अनुभव और इनके द्वारा जो काम किया गया है वाकई में वो सराहनीय है। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो पेटेंट भी हो गई है। इन्होंने सोलर लाइट से और इलेक्ट्रिक लाइट से ईटा पकाने का काम किया है। बताइए ईट उद्योग में कितनी जरूरत है कि वो आप इस क्षेत्र में अपना भट्ठा ना चलाएं, बंद कर दें। तो इन्होंने इस विषय में सोचा और एक इनोवेशन इन्होंने किया जो पेटेंट भी हुआ है, भारत सरकार के द्वारा पेटेंट किया गया है। जो मॉडल है हमारा वो वुमेन सेफ्टी पे बेस्ड है। इसमें हमारे एक डीसी मिनी पिस्टल लगाया हुआ है और ब्लूटूथ कनेक्शन है। वो जो ब्लूटूथ कनेक्शन है उसमें दो फीचर है। पहला फीचर ये है कि जब इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो जो SOS सिस्टम है और प्लस हम लोग उसे पांच कॉन्टैक्ट नंबर जो सेव किया होगा, एक ऐप हमने बनाया है जो पांच कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया होगा उनके पास कॉल जाएगा, हमारा लोकेशन जाएगा और URL के थ्रू हमारा लोकेशन भी जाएगा और मैसेज भी जाएगा। और ये जो उन ड्यूरेशन में जितना टाइम लगता है आने में, मतलब अगर लोकेशन जाएगा तो कुछ तो टाइम लगेगा उन्हें हमारे पास आने में, तो उतने देर के लिए हमने मिनी पिस्टन लगाया जो ब्लैंक फायर करेगा सामने वाले को डराने के लिए। और उसका दूसरा काम ये है कि अगर ब्लैंक फायर है तो उसे चोट तो लगेगी नहीं। दूसरा काम है जो आसपास के लोग जो सुनते हैं ना कि अगर कहीं पिस्टल की आवाज़ आ रही है, बुलेट की आवाज़ आ रही है तो आसपास ऐसा क्या हो रहा है, लोग भागते हुए आते, तो उन लोग को अट्रैक करने के लिए हमारे ये साउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। My name is Ujjwal Pandey and my team member is Utkarsh Shukla and Aditi Upadhyay also. Sir, this is my project. In this project, first we all introduce you as the portable DVR display हमारा है। इसमें सर रिकॉर्डिंग, वीडियो की रिकॉर्डिंग भी होती है, इमेज भी होती है, और ये जो नाइट विजन लगा हुआ है सर ये हेडक्वार्टर से ऑपरेट भी होता है। और बेसिकली अभी तक ये हमारे आर्मी सोल्जर के पास ये था, और जो कैमरा वाला सिस्टम है ये इम्प्लीमेंट आल्सो है, बट सर यहाँ पे बैरल हमने यूज़ किया हुआ है। इसका नाम है हमारा RC फायरिंग हेलमेट। सर मेजरली ये हमारे इंडियन सोल्जर्स और पुलिसमैन के लिए बना है कॉम्बैट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सर इसमें हमारा बैरल लगा है जो आज तक के जितने भी हेलमेट यूज़ हो रहे थे उसमें नहीं था। ये हमारा नया इनोवेशन है इसमें। और ये हमारा जो कैमरा है ये नाइट विजन कैमरा है, तो रात में जो भी ऑब्स्टिकल होंगे जो हमारे सोल्जर्स अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये कंट्रोल रूम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन हम लोग को ब्लूटूथ के द्वारा मिलेगी। और ये सर 360 डिग्री रोटेट भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा वर्किंग है, इसके हम लोग शूट भी कर सकते हैं। इसलिए लेफ्ट राइट मूवमेंट इसका होता है। सर इसमें हमने ट्रांसमीटर भी यूज़ किया हुआ है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव सिग्नल्स होती है और लार्ज फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ होता है उसका। सर उससे क्या होता है कि हमारे अगर आर्मी सोल्जर्स हिली एरियाज या पीपे आइसबर्ग में या स्टक कर जाते हैं तो वहाँ से हमें ये हमारे हेडक्वार्टर से जो हमारा माउंटेड यहाँ पे लगा हुआ है SDVR का पोर्टेबल डिस्प्ले, इससे हेडक्वार्टर को ये सिग्नल चले जाएंगे कि हमारा आर्मी सोल्जर यहाँ पे स्टक हो गया। और सर बेसिकली बैरल का यूज़ यहाँ पे इसलिए हमने किया हुआ है, बैरल का यूज़ ये है सर, ये हेडक्वार्टर से भी ऑपरेट हो सकता है। और सर यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं ये मैनुअली ये ट्रिगर है सर, इसे आर्मी सोल्जर भी अपने सर पे रख के यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। रोबो का नाम है रोबो मंगी। अभी जो 22 जनवरी को राम जी का जो उद्घाटन हुआ था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसी पर्पज से उन्होंने मंकी तैयार किया है। ये मंदिर की सुरक्षा भी कर सकता है और साथ ही साथ ये बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है। इसमें हम लोगों ने 12 mm का कैनन यूज किया है जो 360 डिग्री रोटेट होता है। जहाँ पे गाँव में बस्तियों में जो भी चीजें रहती हैं वहाँ पे फ्लड मीटर लगा रहता है कि पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है फ्लड, वैसे वैसे ये डिटेक्टर मतलब काम करता है, ये पानी के लेवल को बताता रहता है। गांव में ऐसे कहीं भी जगह पे जहाँ पे पानी में फ्लड की बहुत समस्या है वहाँ पे स्पेशली काम आएगा। और इसे एक भगवान शिव जी के त्रिशूल के रूप में बनाया गया है, और जैसे जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होगा वैसे गाँव को ऐसे डिटेक्टर बताते रहेगा हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए छोटा सा योगदान छोटी सी कोशिश करें। तो हमने ये लेजर सिक्योरिटी गन बनाया है, उससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो बताएंगे
ये टोटल ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कैमरा इंसान को देखकर ह्यूमन डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक उसके तरफ उसका डायरेक्शन घूमने लगता है, और जो फायरिंग वगैरह होता है वो सब फोन के थ्रू हम लोग मैनुअली एक कैम के अंदर बैठकर बिना मूव करके बिना उसके पास गए अपने फोन के थ्रू टोटली कंट्रोल कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं एक जगह पर बैठे हुए। अभी हम लोगों ने जो बनाया है उसमें केवल ह्यूमन और एनिमल्स को ही डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन आने वाले समय में हम इसको ऐसा डिटेक्ट करेंगे आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ड्रोन्स हो गए या फिर कोई भी हवाई हमले होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उन सब को ये क्या करेगा। सर ये बेसिकली ग्रीन लैंड माइन है जो फार्मर्स के यूज के लिए है। ये फील्ड में जैसे कल्टीवेटेड क्रॉप जो होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये फील्ड में लगने के लिए है जिससे आवारा पशु जो होते हैं उन्हें करंट या शॉक ना लगे। जैसे कि जो फार्मर होते हैं वो अपने खेत को बचाने के लिए खेत के चारों ओर वो करंट सप्लाई कर देते हैं। सर ये एक जीपीएस सूज है जो सोल्जर्स को डेडिकेट किया गया है, जैसे सोल्जर्स किसी जैसे लैंडस्लाइड जैसे परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उनको हेडक्वार्टर से कोई मदद नहीं मिल पाती है जिससे कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसमें इस सूज में हम लोगों ने एक ट्रांसमीटर लगाया है और इस ये एक डिवाइस है जो जिसमें रिसीवर लगा हुआ है और ये हेडक्वार्टर में रहेगी और ये सोल्जर सूज अपनी पहनेंगे। जैसे कि अगर लैंडस्लाइड जैसी परिस्थिति में अगर सोल्जर कोई फंसता है तो एक इस पे इसमें प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं, एक स्पेसिफिक प्रेशर इस पे अप्लाई होगा और उसके बाद से यहाँ पे ये जो स्विच लगे हुए हैं इससे वाइब्रेशन होगी जिससे वाइब्रेशन होने से यहाँ पे सिग्नल जाएगा रिसीवर पे और उसके बाद से यहाँ हेडक्वार्टर से जब सिग्नल को प्राप्त होगा तो फिर वहाँ से सर्च पार्टी भेजी जाएगी और सोल्जर को रेस्क्यू किया जाएगा जिससे कि सोल्जर की जान बच जाएगी। हम लोगों ने वुमेन सेफ्टी के लिए एक्सेसरीज बनाई है क्योंकि इसमें हम लोग का ब्लूटूथ लगा हुआ है और इसमें हमने ट्रैकर लगाया हुआ है। जब कोई भी वुमेन अगर किसी को किसी प्रॉब्लम में होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उनके पास इसका लोकेशन चला जाएगा। हमने एक राखी भी उसमें सेम प्रोसेस से एक राखी भी बनाया हुआ है। जैसे ये है स्मार्ट आईवी इंडिकेटर इंट्रावेनस, जैसे कभी ये हमने मरीजों के लिए बनाया है हॉस्पिटल्स में, वह जो होते हैं किसी रीजन से मरीजों को नहीं देख पाते हैं, ये जो स्लाइन वाटर होता है टाइम से एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये हमारा स्लाइन वाटर खत्म हो जाएगा तो एयर पास होता है जिससे कि हमारा ब्लड रिवर्स आने लगता है तो फिर मरीज को उससे और ज्यादा बीमारी हो सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेट सेंसर लगाया है जो इसका अगर यहाँ पे 100 ml तक जब ये स्लाइन वाटर होगा तो यहाँ पे सेंस करेगा, यहाँ पे वेट सेंस करेगा और ये हम लोग वार्ड बॉय के रूममेट को फिट कर देंगे जिससे कि उसको पता चलेगा कि इस वार्ड नंबर पे आके हमको ये चेंज करना है। और हम लोगों ने एक वायरलेस वॉच बनाया है, अगर मरीज के पास मतलब कोई उसके घर का नहीं है और कोई उसको देखने के लिए नहीं है तो खुद से ये जब स्विच को ऑन करेगा तो यहाँ पे वार्ड बॉय के हाथ में इंडिकेट कर देगा कि मरीज को आपकी जरूरत है तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। हमने सर क्या कहते हैं एंटी पोल्यूटेड फ्री क्रैकर बनाया है जो कि सर पोल्यूशन फ्री है। सर जो क्रैकर जब ब्लास्ट होगा एक्सप्लोसिव है और जब सर ब्लास्ट होगा सर पोल्यूशन सर नहीं करेगा। सर हमने मिनी रोबोट टैंक बनाया है जैसे कि जैसे दो देशों के बीच में जब वॉर होते हैं तो ऐसे बहुत से सिचुएशन आते हैं जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत से क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं जहाँ पे सर हम अपने जवान को नहीं भेज सकते हैं, उनके वेपन्स को नहीं भेज सकते हैं, तो ये रोबोट टैंक को हम वहाँ पे भेज के अपने अपोनेंट से वॉर कर सकते हैं और जो भी इसको ऑपरेट करेगा लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से दूरी से ऑपरेट करेगा और जो भी ऑपरेट करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा कैमरे की मदद से। ये बुलेट प्रूफ फायरिंग जैकेट है आर्मी जैकेट, ठीक इसके रियर साइड में गन लगी हुई है
फ्रंट साइड से तो कोई भी फायर कर सकता है, लेकिन पीछे के साइड से सोल्जर जो है वो नहीं देख पाते हैं। तो सर्वेलांस के थ्रू वो सिग्नल जाएगा वहाँ पे, कैमरे के थ्रू या फिर मैनुअली, कैसे भी जैसे चाहे वैसे ये ऑपरेट हो सकता है और गन फायर करती है। इसको डमी के ऊपर भी लगाया जा सकता है और सोल्जर पहन के इसको ऑपरेट भी कर सकता है। डमी पर लगाने से ये फायदा होगा कि ऐसे तो जैकेट पड़ी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये वैसे रखा हुआ है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा और फायर भी करेगा। तो हम लोग इसको ऐसे जगह भी ला सकते हैं जहाँ पे हमको दिखाना नहीं है कि ये वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन ये है। इसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है और पल्स सेंसर, दो चीजें लगी हुई हैं। तो मोशन सेंसर के थ्रू ये काम करता है कि अगर आप नॉर्मली स्टिल खड़े हैं और कोई मूवमेंट हो रहा है जो आपको नहीं चाहिए, कोई आ रहा है जा रहा है, तो ये फायर करके अलर्ट कर देगी और रक्षा करेगी। ये सोलर दीवारी लाइट है, ये जैसे दिन में एनर्जी कंज्यूम करेगा और जैसी रात होगी तो ये जैसी इसमें अंधेरा होगा तो ये अपने आप ग्लो करने लगेगा। इसमें फिक्स है ये, तो ये इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है और वाटर प्रूफ भी है, जैसे पानी भी जा सकता है। और ये डीसी लाइट है, जैसे छत पे दिवाली के टाइम बहुत सारी वायरिंग करनी पड़ती है इसकी वजह से, तो और उससे करंट का भी खतरा रहता है बच्चों को। तो ये बैटरी के लिए है, ये डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट करके उसको ऑन बिना लाइट के ऑन कर सकते हैं और जला सकते हैं। और जैसे इसको चार्ज करके जैसे बैटरी बैकअप इसका रहता है, एक घंटा चार्ज करेगा तो 5 to 6 hours इसका बैटरी बैकअप रहता है। सर एक एंटी डेंगू डस्टबिन है सर, जो कि हमारे जो कूड़े कचरे को भरने पर सर नगर पालिका के पास मैसेज सर प्रोवाइड कराता है। और इसमें IR सेंसर है सर, जिसकी हेल्प से हम लोग डस्टबिन को ओपन या खोल भी सकते हैं, ठीक है सर, विदाउट टचिंग डस्टबिन सर। सर ये ब्लाइंड शूज है सर, ये ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है। ये सर रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है सर। सर ये ऑन हो गया, अब जैसे ही इसके रेडियस में कोई आएगा सर ये बीप कर देगा और वाइब्रेट करेगा ये। और अगर कोई गीली और अगर कोई सर कोई वेट प्रोडक्ट वेट या पानी गिरा हो तो ये लाइट वाइब्रेट भी करता है यहाँ से। ये सर मेनली सर ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है। माय नेम इज मोहम्मद तालिब हुसैन, दिस इज अ सिक्योरिटी ड्रोन विच वी हैव मेड स्पेशली फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। It can also be used for spy dropping medical equipments, that is some aids, medical aids basically, where people cannot reach easily, like in somewhere in mountainous region where people cannot reach easily, where there are rescuer force cannot reach easily. So we can use these drones at such places for easier surveillance. बताओ क्या, जब आप इसमें बीज को देते हैं तो एक बीज जिसके आने भी ऊपर हो जाता है, इसलिए मैंने उसको सोच कर यह मशीन बनाई है। गुड़ाई के काम आता है, तो प्याज उगाते हैं ना तो लाइट बनाते हैं हम लोग ना, तो उसके बीज प्याज को रखते हैं और उगाते हैं लगाए थे। उस तरह का ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर 14% हम लोग इसका यूज कर पाए। तो अभी जो इस समय जो सोलर पैनल आ रहे हैं वो 20% वाले सोलर पैनल, उसमें क्या है कि ऊपर का सोलर लाइट के साथ साथ नीचे से भी जो हीट एनर्जी है उसको भी रिफ्लेक्ट करके वो 20% उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये आपका सब स्टेशन हो गया जिसमें पानी बारिश वगैरह में भी इसको यूज करके हम लाइट जला सकते हैं। मतलब एक तरह से फ्री मॉडल है, जो कि इसमें योजना चला हुआ है घर घर सोलर, तो इसी वजह से सोलर प्लांट एक मॉडल के रूप में दर्शा गया है। कार्डबोर्ड लगा हुआ है जिसमें हमने
अकॉर्डिंग होल किया हुआ है, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अपने क्या सही सही बन जाए। जैसे वैसे नॉर्मली भी चप्पल एक चप्पल ही रहते हैं, नहीं नहीं बन बना के बेच सकती हो, बहुत भारी भरकम है, छोटा नहीं है। चलो जोरदार तालियां बजाइए भाई। इसी क्रम में मैं तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। भारत द्वारा संचालित भारत सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 1 लाख से लेके 50 लाख तक है, जैसा कि हम देख रहे थे कुछ लोग अपने छोटे छोटे जो मशीन फार्मर्स के लिए या डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के लिए बनाए हैं, वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 1 लाख से लेके 50 लाख तक का आवेदन कर सकते हैं। उनको 25 से लेके 35% तक सब्सिडी का प्रोविजन है। जैसा आप जानते हैं किसी प्रोजेक्ट में पीएल और सीसी दोनों का प्रोविजन होता है, तो आप अपनी जैसी मुझे उम्मीद थी उससे ज्यादा ही यहाँ पर इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लिखे और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा भी किया गया है जो कि नॉन टेक्निकल है, अच्छा 6-7-8 में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति से प्रेरणा लीजिए, व्यक्ति आपके लिए बहुत कीमती नहीं हो सकता और उसका व्यक्तित्व आपके लिए उदाहरण बन सकता है। ध्यान रखें कभी भी भूलिए नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर अपना अपना समय जो उसके पास बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर वो समय निकाल करके आपके पास आता है तो आप उसे प्रेरित करने के लिए आता है और इस भाव से आता है कि आप जहाँ हैं कल उससे बेहतर हो जाए। मगर निश्चित बड़ा खेदजनक ऐसा सोचना कि उनका कुछ बेहतर नहीं हो सकता जो स्वयं प्रेजेंट में अपने साथ ही नहीं, क्योंकि जब आप वर्तमान में अपने साथ नहीं होंगे तो निश्चित वो चीजें असरकारी नहीं होगी और निश्चित उनके असर नहीं आएंगे। आप सोचें आज जो ये प्रोग्राम हुआ, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, निश्चित उन दोनों में भेद है ना, तो पार्टिसिपेशन अपना जरूर बढ़ाइए, देखिए कोई अवसर आपको मिले तो निश्चित सहभागिता करिए। और जैसा सर ने कहा कुछ बनने का नहीं कुछ करने का अवसर तलाशिए, जब कुछ करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित आप अच्छा बन जाएंगे और अच्छा हो जाएगा सबका। ध्यान रखिए अच्छा करने का अवसर तलाशिए, एक एक अवसर जो आपको मिलता है अगर आप उसमें कुछ करने का विचार अपने मन में नहीं लाते हैं या अवसर नहीं तलाशते हैं तो सोचिए वो विस्मृति कहाँ है जिसको आप भूल रहे हैं और अपनी क्षमता भूल रहे हैं। ध्यान रखिए गीता का वो सारा उदाहरण जो अभी हमने आपको बताया, अर्जुन जैसे शौर्य और पराक्रम को सो जाने के बाद भी कृष्ण ने उसको जागृत किया और उसका परिणाम हम सब ने देखा कि वही योद्धा विजयी हुआ। निश्चित ये सब क्षमताएं आपके अंदर हैं और ये सब कर सकते हैं, ढेर सारा शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुत अच्छा लोगों ने प्रस्तुत किया, यहाँ के जो स्टूडेंट और बाहरी लोग भी थे जो इनोवेटिव जो है वर्क किया इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब इस तरह से अगर लोग प्रगति करते रहेंगे तो काफी कुछ समाज को और देश को दे सकते हैं।